Welcome students, welcome to our math session and today is our day 2 or part 2 of our math lecture. So students, in previous lecture we learned about, we study about given multiplying a given digit or given digit by 3 digit number. Aapko diya hua number jo hai wo 3 digit number se aapko multiply karna hai. So students, हमने step by step देखा कैसे solve करना है. On that basis today we are going to solve problem set 14. लेकिन उससे पहले एक नोट है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में से कुछ एग्जांपल्स है वो कट किए गए हैं जो कि आपको स्टडी में नहीं आने वाला है, वो आप एग्जांपल पहले टिक आउट कर लो. टेक आउट योर टेक्सटबुक, टेक आउट पेज नंबर 16 में आपको प्रॉब्लम सेट 14 दिए स्टूडेंट्स. वहां पे देखो मल्टीप्लाई है, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए फिर बाद में नीचे वर्ड प्रॉब्लम है. तो वर्ड प्रॉब्लम में से कुछ एग्जाम्पल्स कट हो गए, वो है 3, 5, 6, 10. कौन से एग्जाम्पल? 3, 5, 6 और 10. ये एग्जाम्पल आपको आने वाले नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले टिक कर लेना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 327 मल्टीप्लाई बाय 327 मल्टीप्लाई 92. 2 को पहले 327 से मल्टीप्लाई करना है फिर बाद में सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है. 2 से 14, 1 कैरी, 2 to the 4, 4 plus 1 is 5, 2 3 6. ये हो गया कैलकुलेशन 2 का. अब 9 का स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैंने बोला रहता है कि क्या करना है, 0 पुट करना है. फिर 9 7 जा 63 6 कैरी. फिर 9 2 18 18 plus 6 is 24, 2 कैरी. 9 3 27 27 plus 2 is 29. आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है स्टूडेंट. 4 plus 0 is 4, 5 plus 3 is 8, 6 plus 4 is 10, 1 कैरी. 9 plus 1 is 10, 1 कैरी. 2 plus 1 is 3. सो आवर आंसर इज 3084. ये हो गया आपका आंसर. सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज विच इज एग्जांपल नंबर 5. और जो एग्जांपल मैं सॉल्व यहाँ पे करके नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स, वो आपको घर पे सॉल्व करना है होमवर्क में, क्लास वर्क नोटबुक में आपको होमवर्क करना है. इसके नीचे आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करना कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स. सो अवर एग्जाम्पल इज 6,092 मल्टीप्लाई बाय 2,003. सो लेट्स स्टार्ट हियर. 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 कैरी. 3 0 जा 0. हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, आप अगर आपकी ऐसी कंडीशन आती है कौन से भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 आएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर कैरी दी हुए होंगी तो वो कैरी एज इट इज आपकी नीचे आ जाएंगी. बराबर. 6 3 is 18. सो अवर नेक्स्ट इज 0. अब 0 को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको यहाँ पे 0 क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा. 0 2 जा 0 0 9 जा 0 0 0 जा 0 0 जा 0. अभी नीचे आएंगे आपके 2 0, जब आप 2 का कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यहाँ पे आएगा 1 कैरी. 2 0 जा 0, 0 है लेकिन 1 एक्स डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स. 2 6 जा 12, यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, एडिशन करना है. बराबर. तो 6 एक्स डी नीचे, 7 भी नीचे. 4 plus 0 plus 2 is 6. बराबर. 8 plus 8 is 16, 1 कैरी. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 2 एक्स डी 12. बराबर सर. तो ये आया आपका 12,36,676, ये आ गया इसका आंसर. सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हम अभी 12th एग्जाम्पल पर जाएंगे. 12th एग्जाम्पल जरा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रही हूँ. सो स्टूडेंट देखो, 20,304 मल्टीप्लाई बाय 87, इसी तरह आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना. तो 7 4 जा 28, 2 कैरी. यहाँ पे भी वैसे ही 2 आ जाएगी, किसके आ जाएगा, अभी नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी 0. 7 2 जा 21, 2 कैरी. ये भी 2 के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. 7 2 जा 14. अभी आपको 1 का स्टार्ट करना है, जो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 में. सो 8 4 जा 32, 3 कैरी. 3 आ जाएगी नीचे. 8 3 जा 24, 4 2 कैरी. ये भी 2 आ जाएगी, नीचे आ जाएगा. 8 2 जगह 16, इनका आपको क्या करना है, लास्टली एडिशन. सो 8 plus 0 is 8, 2 plus 2 is 4, 1 plus 3 is 4, 2 plus 4 is 6, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, and 1 added 17.
766,448. क्या है इसका आंसर स्टूडेंट्स? यस, 70,66,448. सो स्टूडेंट्स हमें अभी क्या लिखना है? यस, वर्ड प्रॉब्लम दी है आपको. अभी आपको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स अवर वर्ड प्रॉब्लम सेकंड इज एज पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन ईच ऑफ 745 स्टूडेंट्स मेड 25 पेपर बैग्स. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड? एक कैंपेन है स्टूडेंट्स जो कि अवॉइड प्लास्टिक है उसका ने, तो उन्होंने क्या किया उसमें 745 स्टूडेंट्स ने 25 पेपर बैग्स बनाए. तो ऐसे पूरे कितने टोटल पेपर बैग्स बनाए, मतलब 745 स्टूडेंट्स टोटल है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने 25 पेपर बैग्स बनाए, तो ऐसे पूरे 745 स्टूडेंट्स ने कितने बैग्स बनाए ये आपको निकाला है. मैंने बोला था पहले भी स्टूडेंट्स, अभी भी बोल रही हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन कब परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स? यस, जब आपको एक ईच की क्वांटिटी दी हो और बहुत सारे निकाली हो, या फिर एक भी कोई चीज की प्राइस दी हो और बहुत सारों की निकाली हो, तब आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स. सो अवर एग्जाम्पल इज यस. तो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त मैं हमेशा से बोलती हूँ स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपरली सेंटेंस वाइज अरेंज करना है, फिर कैलकुलेशन करना है, लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास है 745. फिर पेपर बैग्स प्रीपेयर बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स ने कितने बनाए यहाँ पे 25, और निकालना क्या हमें टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स प्रीपेयर, कितने पेपर बैग्स प्रीपेयर है वो हमें निकालना है. सो लेट्स डू हियर, 5 × 25 टू कैरी, 5 × 20 + 2 = 22 टू कैरी बराबर 7 × 5 = 35 35 + 2 = 37 वापस यहाँ पे 0 आएगा. फिर 2 का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 × 5 = 10 1 कैरी, 2 × 4 = 8 + 1 = 9 2 × 7 = 14 यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन करनी है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे बैग्स है ना. ठीक है, चलो 5 × 5 = 5 2 9 + 7 बराबर. देखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 + 7 = 16 1 4 + 6 = 7 7 + 1 = 8 1 = 18 सो हमारा आंसर इज 18,625. क्या है आपका आंसर? 18,625 ये आपका आंसर. लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फाइनल आंसर भी राइट अप करना है जो कि नीचे सेंटेंस में आएगा. क्या आया फिर 7 बाकी को आपको वो होमवर्क में करना है. 1 hour has 3600 seconds how many seconds do 365 hours have? देखो उन्होंने क्या कैलकुलेशन दिया स्टूडेंट्स, यस, एक आवर में अगर 3600 सेकंड आ रहे हैं तो पूरे 365 आवर्स में कितने आएंगे. तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पे समझ लेना है. एक आवर मतलब क्या दिया उन्होंने, 360 seconds बराबर. 365 hours मतलब कितने, मतलब इसको आपको इससे क्या करना पड़ेगा, यस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे आएगा 360 बराबर. तो इसको पहले मल्टीप्लाई 3500 6 × 5 = 33 कैरी 5 × 15 = 18 बराबर. नेक्स्ट है आपका, यस, 6 × 0 = 6 6 = 36 3 कैरी 6 × 18 = 18 + 3 = 21 वापस आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन 3 का स्टार्ट होगा. आपको यहाँ पे 0 2 0 पुट अप कर रहे हैं, 3 × 0 = 0 3 × 0 = 0 3 6 = 18 1 कैरी 3 × 9 = 10 सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यस, एडिशन करनी है 0 0 0 0 0 अब 6 + 8 = 14 1 कैरी 8 + 1 = 9 9 + 1 = 10 10 + 1 = 11 1 कैरी 2 + 1 = 3 1 एडिशन. सो अगर
लिखोगे? यस, आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? हाउ मेनी सेकंड्स? 13 लाख, दस 13,40,000 सिर्फ आपको इतना सेकंड्स टाइप करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम सेट खत्म हो चुकी है। सो टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न न्यू टॉपिक। थैंक यू।